ओके, तो हम इंजिकॉन के फिजिक्स के एमसीक्यूज कर रहे थे, ठीक है। रोटेशन जो सर्कुलर मोशन है और ऑसिलेशन के थे, 150 तक कर लिए थे। 151 है कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड, एंगुलर एक्सेलरेशन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होता है, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो टुवर्ड सेंटर होता है। If amplitude of SHM decreases abruptly after it is released from, then it is said to have high dampness. ठीक है, और which of the following have no dimension? तो ये जो प्लेन एंगल है, एफिशिएंसी है, स्ट्रेन है, रेशियोज है ना, ये सेम क्वांटिटी के, तो इन किसी का भी डायमेंशन नहीं है। Which of the following work on the principle of resonance? Microwave on sonar, तो फिर अल्ट्रासोनिक, ठीक है। 55 पे आते हैं कि इफ आर्क लेंथ इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इन 2 टाइम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है 2 पाई, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4, पाई में पुट करो 3.14, तो 4 3 12 होता है ना, तो 12 इसमें यहां पे सिर्फ सी वाला ऑप्शन मौजूद है। फ्रीक्वेंसी ना, तो 0.0 कटेगा 1/2 जो कि बी ऑप्शन में आपके पास मौजूद है। इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन देन टाइम इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन क्या होता है, सर कंप्लीट सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल है ना 2 पाई रेडियन, तो टाइम क्या होगा, अब 2 पाई रेडियन 1 रेवोल्यूशन के बराबर है ना, 1 रेवोल्यूशन मींस टाइम फॉर 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू टाइम पीरियड कहलाता है आपके पास, सी ऑप्शन आपके पास सिंपल हो जाए। अच्छा 58 के ए और बी है जो कि मीन पोजीशन, अच्छा मीन पोजीशन पे आपके पास क्या मैक्सिमम होता है, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, एक्सेलरेशन जीरो, तो बी मीन वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन, ठीक है, और ये अब अपोजिट है ना, डिस्प्लेसमेंट मतलब फेज डिफरेंस है 90 का, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में तो 180 का होता है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में 90 का होता है, बट ये तो वेलोसिटी नहीं हो सकती, वेलोसिटी तो मैक्सिमम होती है नॉट जीरो, ठीक है। सेम फिर ए के लिए भी यही होगा, वो वेलोसिटी नहीं हो सकती, वेलोसिटी तो मैक्सिमम होती है। टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इन अ बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज 4 सेकंड, देन आफ्टर 1 सेकंड इट हैज कवर एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ, अच्छा इसने क्या किया कि 4 सेकंड फॉर कंप्लीट सर्कुलर मोशन, तो सर्कमफेरेंस कितना होता है फॉर 1 रेवोल्यूशन 2 पाई, ठीक है, इसमें 1 सेकंड का पूछे ना, तो 4 इधर डिवाइड हो जाएगा 2 बाई 4 पाई बाई 2 जो कि सी ऑप्शन में आपके पास मौजूद है। और फेज डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होते हैं, डायरेक्ट ही होते हैं बट नेगेटिव साइन आप लोगों ने देखा होगा, तो 180 पे होगा ना, अपोजिट होगा तो 180, तो डी ऑप्शन सही है, पाई 180 के बराबर होता है। इफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन आर इक्वल देन आफ्टर 2 सेकंड दिस बॉडी कवर एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ, अच्छा इसमें क्या 1 सेकंड है ना, मतलब 1 रेवोल्यूशन 1 सेकंड में हो रहा है, ठीक है। अब इसने क्या किया 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट, तो 2 सेकंड में 2 रेवोल्यूशन होंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 पाई 2 रेवोल्यूशन 2 2 आर 4 4 पाई जो कि बी ऑप्शन में मौजूद है। इफ द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑन अर्थ इज एल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला पूछा गया है, रिपीट हुआ है, ये 160 वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे मैं ऊपर देख लेता हूं। बाकी इस तरह यहाँ पे जो ये माइक्रोवेव वाला हो गया, ठीक है, ये डायमेंशन वाला हो गया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके पास, ये डैम्पनेस वाला हो गया, एलॉन्ग एक्सिस वाला हो गया, ठीक है, ये भी इसी कंसेप्ट के बिना पे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, पूछे गए भी हैं।
इफ द लेंथ ऑफ अ सेकंड पेंडुलम ऑन अर्थ इज एल, इट्स लेंथ ऑन मून पे क्या होते है, ग्रेविटी होती अंडर रूट बाय 6 टाइम, अंडर रूट 6 टाइम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि g बाय 6 होते हैं ना, t इनवर्सली रिलेटेड टू द अंडर रूट g, अब g बाय 6 है तो अंडर रूट 6 ऊपर चला जाएगा, जो कि आपके पास इसने क्या किया, इफ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम आर्थ इज एल, इट्स लेंथ ऑन द मून, अच्छा इसने लेंथ पूछा हुआ है, ठीक है, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर रूट ना पुट करो, क्योंकि स्क्वायर रूट एल पे भी है जी पे भी, जी पे क्या है जी बाई सिक्स, तो लेंथ को क्या होना चाहिए ताकि इसको कांस्टेंट रखे, एल बाई सिक्स, सिक्स ही कटेगा तब ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशन बट डिफरेंट यूनिट्स, एंगुलर वेलोसिटी ये भी इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड है 2 पाई डिवाइड बाय टी, ये होता है ना टी के साथ इनवर्स है, फ्रीक्वेंसी भी टी के साथ इनवर्स, तो इनका डायमेंशन तो वही टी वाला होगा, लेकिन यूनिट इनके डिफरेंट है, एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड है, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज है, ठीक है, बट फ्रीक्वेंसी में भी टाइम नीचे है, उसमें भी टाइम नीचे है, 164 पे आती सिंपल पेंडुलम इज टेकन टू अ हाई माउंटेन, इट्स टाइम पीरियड विल बी, टाइम पीरियड के साथ क्या होगा, हाई माउंटेन पे जाएगा ना वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होगी, तो टी इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द जी, तो जी जब कम होगा तो टी क्या होगा, टी बढ़ेगा ना, बी ऑप्शन, ठीक है, और एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड सेंट्रीपिटल एसेलेरेशन, सेंट्रीपिटल एसेलेरेशन टुवर्ड सेंटर होता है, रेडियस इस तरफ होता है, तो ये 180 डिग्री पे होते हैं, ठीक है, और NSHM start from extreme position and completed half vibration, total displacement क्या होगा, 2 time of amplitude, क्यों, देखो उसने क्या यहाँ से start कर रहा है, ठीक है, तो ये 1 amplitude और ये दूसरा amplitude, ठीक है, अगर ये आगे आएगा तो फिर क्या होगा, फिर 1 amplitude हो जाएगा, क्योंकि ये कट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, और फिर अगर अपने starting पे आएगा तो फिर displacement 0 हो, If angular velocity is along x-axis, its linear velocity क्या किस तरफ होगी? तो perpendicular ये होते हैं आपस में, ठीक है? तो अगर वो x-axis पे है ना, तो या तो y-axis पे होगी या z पे, तभी तो perpendicular हो सकते हैं, तो y-z plane आपके पास ठीक है। During one complete vibration, acceleration change, acceleration देखो, इधर आएगा तो इस तरफ, इधर आएगा तो इस तरफ, इन दो time आपके पास change करता है, ठीक है? और 169 है 2 revolution per minute, 2 revolution क्या है 2 pi, minute क्या है 60, तो 230, 21 are 215, तो pi by 15 कहाँ पे मौजूद है, pi by 15 तो कहीं भी नहीं है, तो मेरी से backward answer क्या था 2 pi by 30, जो कि c में मौजूद है, यूनिट ऑफ हुक्स लॉ, हुक लॉ क्या है, एफ इज इक्वल टू के एक्स, हुक्स लॉ का कांस्टेंट क्या है, के एफ बाय एक्स, एफ न्यूटन है और वो मीटर है, बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाए, 71 है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल, अच्छा करेक्ट ढूंढना है, क्या इसका यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड तो यूनिफॉर्म होता है, वो तो वेक्टर नहीं है, तो वो इट कैन नॉट हैव, यस वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं हो सकती, क्योंकि वो वेक्टर है, डायरेक्शन की वजह से चेंज हो रही, तो ये बात करेक्ट है, और इट कैन नॉट हैव यूनिफॉर्म, भी यूनिफॉर्म हो सकता है, अगर एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही, इट कैन हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये बात इट कैन नॉट हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, एंगल बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, अब ये पैरेलल भी हो सकती है, अपोजिट भी हो सकती है, तो ये मैग्नीट्यूड पे अगर बढ़ रहा है तो वो उसके साथ होगा, अगर कम हो रहा है तो फिर उसके अपोजिट होगा, अ सेलिंग फैन इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5000 रेवोल्यूशन पर मिनट, अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या होगा, वो जीरो होगा, नन ऑफ दीज, ठीक है, 74 पे आते हैं SI unit of displacement, angular displacement जो कि radian है आपके पास, 75 है कि 1 radian is equal to 57.3 degree, किस तरह, देखो 2 pi radian जो होता है ना वो 360 degree के बराबर होता है, pi में क्या है 180 है, ठीक है, pi इधर भी divide कर लो इधर भी, तो यहाँ पे हो जाएगा
टू पाई रेडियन इक्वल टू वन, यहाँ पे आपने क्या करना है 3.14, यहाँ पे भी 3.14, पाई 3.14, ये कट जाएगा ठीक है, और 3.14 से आई थिंक 100 आ जाएगी ठीक है, मैं 100 से अबाव आंसर आएगा, यहाँ 2 बचे है ना, तो 100 पे 2 डिवाइड करोगे 50 से अबाव ही आंसर आएगा ठीक है, 1 रेडियन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैव यूनिट बट नो डायमेंशन, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज, डायमेंशन भी है, एंगुलर वेलोसिटी यूनिट भी है, रेडियन पर सेकंड डायमेंशन भी है, टाइम इनवर्स, प्लेन एंगल इसका डायमेंशन नहीं है, पीछे भी हमने यही टाइप एमसीक्यूज किया ठीक है। सो यहाँ पे हम अपनी डिस्कशन खत्म करते हैं।